हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एसएस पॉलिटेक्निक में। कि आज का जो वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, आज का टॉपिक्स जो है आपका वो है डीसी सीरीज सर्किट, या उसी को हम बोल सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कैसे हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं और इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है, सारे बातें इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कि डीसी सीरीज सर्किट बोलते किसको हैं। यहाँ डिफिनीशन आप लोग देखेंगे तो डिफिनीशन हम लिखे हैं, द डीसी सर्किट इन विच रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन टू इंड सो दैट देयर इज ओनली वन पाथ फॉर करेंट टू फॉलो इज कॉल्ड डीसी सीरीज सर्किट। डीसी सीरीज सर्किट किसको बोलेंगे? इसमें क्या होता है कि देखिए, रेजिस्टेंस जो होगा इन टू इंड कनेक्टेड होगा, और करेंट जो होंगे सारे पाथ में एक ही होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? डीसी सीरीज सर्किट। इन टू इंड कहने का मतलब क्या है? देखिए, यदि इस रेजिस्टेंस R1 लेते हैं तो R1 का ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट होगा ना, एक छोड़ ये होंगे, दूसरा छोड़ ये होंगे। अब दूसरे रेजिस्टेंस के लिए R2 के लिए ये पहला पॉइंट हो जाएगा और ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसका जो दूसरा पॉइंट है इस रेजिस्टेंस के पहले पॉइंट से क्या है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो यही यहां लिखा हुआ है कि इंड टू इंड कनेक्टेड, रेजिस्टेंस का जो है एक दूसरे रेजिस्टेंस का इंड टू इंड कनेक्टेड होते हैं, और करंट जो इसमें फॉलो करेंगे इस पाथ में वो करंट एक ही होंगे। मतलब सारे रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एज सो ऑन, इस तरह से जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सारे रेजिस्टेंस में एक ही करंट फॉलो होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? डीसी सीरीज सर्किट। चलिए हम इसको अब क्या करते हैं, प्रूफ करके देखते हैं कि इसमें जो है करंट सेम होती है कि नहीं। इसमें आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वह आपको क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3 इस तरह से होता है। ये इस तरह से होता है या नहीं, इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। आप लोग को एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी बोलेगा। चलिए आप लोग पहले इस डिफिनेशन को क्या करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए लिखेंगे कैसे, लेट अस कंसीडर, आप लोग को इस तरह से ही एग्जाम में लिखना होगा, लेट अस कंसीडर द रेजिस्टेंस, या लेट अस कंसीडर थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये सारे रेजिस्टेंस R1, R2 कनेक्टेड होगा सीरीज में, और अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज इज वी। देखिए इसमें क्या है कि आपका रेजिस्टेंस R1, R2, R3 कनेक्टेड है सीरीज में, और सप्लाई वोल्टेज जो दे रहे हैं वो आपका भी है। देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, ये जो रेजिस्टेंस R1, R2, R3 लिए हैं इसको पहले सीरीज में जोड़ते हैं। देखिए सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, अभी बताए थे डिफिनीशन में कि एक दूसरे रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, इन टू इंड कनेक्ट करते हैं, और इसमें क्या है कि इसके अक्रॉस आपका सप्लाई वोल्टेज भी है, और सीरीज में क्या होता है कि आपका करंट जो होता है हमेशा सेम होता है, यानी कि सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट क्या होगा, सेम फॉलो करेगा। ये सप्लाई वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस R1, ये आपका R2, ये आपका R3। अब देखिए इसमें क्या होता है कि सप्लाई वोल्टेज हम भी दे रहे हैं, लेकिन सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे सारे का डिफरेंट होगा। तो यहाँ का जो वोल्टेज हो जाएगा आपका V1, यहाँ हो जाएगा आपका V2, और यहाँ का हो जाएगा आपका V3, यानी कि रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा V3 हो जाएगा। अब देखिए अब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे सारे पॉइंट पर, रेजिस्टेंस R1 के लिए, R2 के लिए, R3 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ से, आप लोग ओम्स लॉ जानते हैं ना,
कि वी बराबर क्या होता है आई आर, तो वी वन बराबर हो जाएगा आई आर वन, वी टू हो जाएगा आपका आई आर टू, वी थ्री बराबर हो जाएगा आपका आई आर थ्री। अब देखिए, लेकिन ये जो करंट आपका आई जो फ्लो हो रहा है, तो इसमें आपका टोटल जो है आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो पहले यहां से हम लिखिए वी बराबर क्या लिखेंगे, आई आई आर लिखेंगे, आर जो है आपका ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो यहां देखिए हम क्या करेंगे, वी बराबर जो हो जाएगा आपका वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। देखिए टोटल ये हो जाएगा किसे, के वी एल से। के वी एल में क्या होता है कि आपका जो ई एम एफ जो होगा वह वोल्टेज ड्रॉप के सम के बराबर होता है। यहां से देखिए वी बराबर क्या जाएगा, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। अब देखेंगे ये आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीन शॉट लेते रहेंगे। यहां से देखिए इसको हम क्या करते हैं कि वी के जगह आई आर लिखेंगे। इस इक्वेशन में क्या कीजिए कि ये सारे वैल्यू क्या करेंगे, बैठाएंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा आपका आई आर बराबर आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। तो देखेंगे कि दोनों साइड जो आपका कॉमन क्या है, कॉमन आपका आई है। तो यहां से देखिए तो आर बराबर क्या हो जाएगा, कॉमन आई कर लीजिए, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो ये आई से आई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो ये था आपका, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो आपको डिफिनेशन बताया गया था कि रेजिस्टेंस जो होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होता है, यानी बताए थे ना इन टू इंड कनेक्टेड होता है। तो ये निकल के आ गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस पर आपका बेस्ट क्वेश्चन भी आता है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसका जो क्वेश्चन किस तरह से आता है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए ये तो हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन जो प्रूफ किए हैं। अब जो है इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि इसका कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपका सीरीज सर्किट का, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका द करेंट इन ईच रेजिस्टर इज द सेम। अभी आपको हम जब सर्किट बनाए थे उस सर्किट में हम आप लोग को दिखाए थे करेंट क्या था, कि सारे सर्किट में क्या था, सेम करंट था। तो ये हो गया आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं कि द टोटल रेजिस्टेंस इन ईच सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। आप क्या देखे थे कि टोटल जो आपका रेजिस्टेंस निकल के आया था आर, क्या था आपका आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, मतलब क्या था इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस थे सारे रेजिस्टेंस के सम के बराबर था आपका क्या टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए तीसरा पॉइंट लिखे हैं कि द टोटल पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ पावर डेसिपेटेड इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि आपका यहाँ जो टोटल जो पावर होंगे वो जितने भी रेजिस्टेंस थे R1, R2, R3 उसके यानी कि जो अपना इंडिविजुअल पावर होंगे उस पावर के सम के बराबर होता है। देखिए हम पावर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, पावर का फॉर्मूला जानते हैं P बराबर I स्क्वायर R। जब हम यानी कि जब निकालेंगे जो आपका पावर था रेजिस्टेंस R1 जो था उसके अक्रॉस आपका कितना पावर हो जाएगा, तो पावर जो हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर वन पी वन बराबर, यानी कि पावर आपका हो जाएगा ना, यानी कि रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस पावर कितना होगा पी वन बराबर आई स्क्वायर आर वन, पी टू बराबर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टू, P3 बराबर हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर थ्री। देखिए यहां से हम देखेंगे कि पावर जो हो जाएगा आपका कि R बराबर क्या लिखे थे R1 प्लस R2 प्लस R3, ये लिखे थे ना, तो R के अक्रॉस यानी कि इक्विवेलेंट अक्रॉस जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा पावर P1 हो जाएगा, सॉरी P हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस R1 के अक्रॉस आपका पावर कितना निकल के आ रहा है P1, इसके P1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P2, ये हो जाएगा आपका P3। यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि जो पावर जो होते हैं
टोटल पावर जो होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी पावर होंगे उसके सम के बराबर होता है। देखिए अब एक पॉइंट और होता है, नोट्स में आप लोग लिख लेंगे कि सीरीज रेजिस्टर सर्किट जो होते हैं वो कंसीडर करते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को। आगे हम बताएंगे आपको वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट सीरीज सर्किट जो होता है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को फॉलो करता है, पैरेलल सर्किट जो होता है करंट यानी कि करंट डिवाइडर सर्किट को फॉलो करता है। तो आगे हम बताएंगे कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या होता है और जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स वन बाय वन डील करेंगे। तो आप लोग यहाँ नोट्स में लिख लेंगे कि सीरीज सर्किट जो होता है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। देखिए कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स का जीवन जो होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट की तरह होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स का जीवन जो होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट की तरह होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो तार जो है सही से जुड़ जाएगा तब तो जीवन बन जाएगा, लेकिन यदि तार यदि गलती से जुट गया उल्टा पुल्टा जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, जिंदगी भर ये झटके देते रहते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे कि जो भी आप पढ़ रहे हैं तो वन बाय वन टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं कि कभी पढ़ रहे हैं फिजिक्स का कोई टॉपिक्स कभी उठा के ले लिए फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो ऐसा नहीं पढ़ेंगे। तो वन बाय वन भी टॉपिक्स जो आपका चैप्टर बाय चैप्टर दिया गया है उस तरह से हम पढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा कि आपके पास एक कंटेंट अच्छा सा कंटेंट बन जाएगा, और जब आप एग्जाम के समय आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपका क्या होगा कंटेंट वन बाय वन रहेगा, तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई हमारा टॉपिक्स छूट गया है। तो आप लोग क्या करेंगे टॉपिक्स वन बाय वन टॉपिक्स आपको जिस तरह से वीडियो बनाते जा रहे हैं उस तरह से आप टॉपिक्स अपने कॉपी में बनाते जाएंगे। तो चलिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। थैंक यू।